ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है। हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई? क्या आप नौकरी दुबई में कैसे ढूंढ सकते हो भाई? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, इसमें कुछ 5 या 6 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं दुबई में नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक है जी, एंड आई होप कि आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा मेरे चैनल को। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अब आप कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक HR कंसल्टेंट्स की लिस्ट भेजूँ, जो कि मेरे पास एक एक्सेल शीट में है जिसमें कि उसकी ईमेल आईडीज और नाम है, तो आप उनके लिए जो ये खुद बेसिकली क्या है कि ये वो लिस्ट है जो मैंने खुद या मेरी वाइफ ने खुद, हम लोगों ने जब सर्च की थी जब वो यहाँ जॉब ढूंढ रही थी तो उस टाइम पे, तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए या आप चाहते हो कि उनके ईमेल आईडीज आपको मिल सकें, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में नीचे कमेंट कर दें अपनी ईमेल आईडी के साथ, एंड देयर ऑन आई विल सेंड यू दी लिस्ट ऑफ दी HR कंसल्टेंट्स। तो आओ जी अब शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में, अगर आप अपने होम कंट्री से ही जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए 3 वेबसाइट्स, नौकरी गल्फ, बेट और एक डुबिजल जो कि यहाँ का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बाय एंड सेल करते हो, OLX जैसा कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जॉब्स के लिए भी ऑफर्स आती हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, नौकरी गल्फ, बेट और डुबिजल, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप अपनी होम कंट्री से बैठ करके अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका जो है वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और लिंक्डइन में आपको क्या क्या एडिशंस चाहिए, थोड़े बहुत आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आपके जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस हैं उनमें आप अपने बॉसेस से या फिर आप अपने किसी कलीग से रेफरेंसेस ज़रूर डलवाएं और रिकमेंडेशन ज़रूर डलवाएं, जिससे कि आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये कुछ यहाँ पर कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं अपने बेस पे, यानी कि आप उनके वीज़ा पे रहते हो बट आप आउटसोर्स्ड होते हो किसी और कंपनी को, तो कोई और कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है उनके बिहाफ पे हायरिंग करने के लिए। तो वो कुछ कंपनीज़ का नाम मैं आपको भी बताने लगा हूँ जिसमें कि कुछ अबूधाबी बेस्ड कंपनीज़ हैं, कुछ दुबई बेस्ड कंपनीज़ हैं, बट ये हायर पूरी तरफ सब तरफ के लिए करती हैं, जिसमें कि बैंकिंग, रिटेल एंड FNB, इन सब चीज़ों के लिए वो लोग हायर करते हैं, होटल्स के लिए, सबके लिए। तो उसमें है, आती है एक रीच, फिर आती है अल्टीमेट सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद आएगी टास्क। ये 2-3 से 4 कंपनीज, कुछ और भी कंपनीज ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये आपको हायर करेंगी अपने वीज़ा पे, खास करके बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जो आती हैं वो आपके लिए आती हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा पे हो गया, कुछ लोग जॉब डाल देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के जो जॉब्स के लिए चलते रहते हैं। तो अगर आप नीचे, अगर आप सेफ समझते हैं तो आप अपना नंबर डाल सकते हैं, आई विल गेट यू एडेड टू ऑल दिस व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें कि मैं खुद भी एक मेंबर हूँ कुछ ग्रुप्स में। तो फाइंडिंग अ जॉब इन दुबई इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, अगर आप अपना हौसला बुलंद करके आएंगे तो वो कोई बहुत बड़ा या बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, मिल जाती है नौकरी आराम से। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है पहले के कंपैरिजन में, अब थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और अगर आप बात करें कि व्हाट नेक्स्ट, तो बहुत सारे यहाँ पर HR कंसल्टेंट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। आप जब इधर आएंगे तो लिस्ट आपके पास, अगर आप कमेंट कर देते हैं तो लिस्ट तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट अगर आप नहीं करना चाहते, सेफ नहीं समझते हैं, तो फिर आपको इधर आकर के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जगह जगह जा करके HR कंसल्टेंट्स ढूंढने पड़ेंगे,
जो कि आपकी हेल्प कर सकें और जहाँ पर आपको जा करके अपने रिज्यूमेस देने पड़ेंगे और इंटरव्यू कॉल्स के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और सबसे इफेक्टिव तरीका भाई वो है, हम देसियों के लिए खास करके, वो है जुगाड़। जुगाड़ बोले तो आपका कोई भाई, कोई कज़न, कोई मामा का लड़का, कोई बुआ का लड़का, या कोई भी रिश्तेदार इधर, या कोई भी फैमिली फ्रेंड इधर, जो आपकी इस काम के लिए हेल्प कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके पास इधर कोई बंदा है और आपको वो सपोर्ट करने को रेडी है, तो शुरू के चाहे 4 या 5 दिन के लिए आपको सपोर्ट चाहिए इस कंट्री में, क्योंकि ये यहाँ पर सब लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी सब चलती है इधर, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है लैंग्वेज में भी। तो अगर आप वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं कुछ 2 या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो आप अपने आप को मोर और लेस यहाँ पर सेट ही समझें। अब ये डिपेंड करता है कि द काइंड ऑफ जॉब दैट यू गेट, वो आपको समझ आती है, पसंद आती है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। तो अब अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और तरीका जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए दुबई में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, आई वुड लाइक टू कवर दैट एज वेल एंड दैट विल बी गुड फॉर माई नॉलेज ऑल्सो। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके कुछ बताएं, अपने फीडबैक शेयर करें, कुछ और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़। यहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़े किसी के साथ में और पैसे दे करके आपको नौकरी लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोस जो कि होने वाले हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों से दुबई में नौकरी नहीं मिली है या फिर आपके पास कोई दुबई में नहीं है, तो आप जॉब कैसे दुबई में आकर के ढूंढ सकते हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है वो बेसिकली, कि आप किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, किधर आपको रुकना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है रिक्रूटर्स को या फिर HR कंसल्टेंट्स को जिनके पास आप जा कर के अपने CVs दे सकें, वो सब कर सकें। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ भी हेल्प आप मेरी तरफ से चाहते हैं, कुछ भी सपोर्ट आप मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।